नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाइवर्सिटी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 की आधिकारिक सूची के बारे में, जहां से हजारों अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में सरकार का जो आदेश है उसके बाद से कहीं ना कहीं अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। 69,000 के खाली पदों की वेटिंग लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो बने रहिए, सारी अपडेट हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एम सी टेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीईटी पेपर 2 के लिए स्टार्ट होगा 2 नवंबर से। सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन के साथ में। आज ही अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ, इससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही एनरोल करें। अकेडमी लेकर आया है सीटेट पेपर 1 के लिए फाउंडेशन बैच 2021 के लिए, स्टार्ट हो चुका है 26 अक्टूबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन लें ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ, जिससे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अनअकैडमी लेकर आया है रिवीजन बैच कोर्स फॉर एचटीईटी के लिए, 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं। आज ही एनरोल करें अनअकैडमी प्लस पर। ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में उपलब्ध। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 67,867 अभ्यर्थी चयनित हैं। अब ऐसे में जो चयनित हैं या फिर जो आगामी समय के अंदर चयनित होने वाले हैं, मतलब मेरा कहने का है कि कम गुणांक वाले अभ्यर्थी, उनके लिए साथ में जो 37,339 अभ्यर्थी हैं या फिर 67,867 का कोई भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहा है, ध्यान से सभी पॉइंट को समझ लीजिए। अदरवाइज आगामी समय के अंदर आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा, जिस प्रकार यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो आदेश दिया है और उसके बाद से अधिकारी परेशान हो गए। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा थोड़ा सा, जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्जी नियुक्तियों का मामला देखने के लिए मिल रहा था, पहले अधिकारियों की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गई, अभिलेखों का सत्यापन हुआ है ना, सभी के अभिलेखों की जांच हो गई, 16 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिए। उसके बाद से हमारी तरफ से आवाज़ उठाई गई कि भाई यहाँ पर फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं, बीटीसी वाले अभ्यर्थी को गलत तरीके से यहाँ अंतर कर दिया गया है। तो ऐसे में अधिकारियों की तरफ से ऐसा देखने के लिए मिला, सरकार की तरफ से मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद में शासन आदेश जारी हुआ और तमाम नोटिस के अंदर बार बार उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर गलत तरीके से नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए हैं या फिर अभिलेखों के सत्यापन के अंदर दोबारा से जाँच के बाद में कोई कमी पाई जाती है तो कहीं ना कहीं जो कार्यवाही की जाएगी वो अधिकारियों के ऊपर की जाएगी। अब उसके बाद से अधिकारी पूरे तरीके से सजग हो गए हैं, कहीं ना कहीं हड़कंप सा मच गया है, छोटी सी गलती को लेकर अभ्यर्थी को बाहर कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी भी ऐसे हैं जो छोटी सी गलती को ओवर कॉन्फिडेंस होकर वहाँ पे एफिडेविट लगाकर नहीं आए हैं, जिससे कि उनको यहाँ पता चल पाता कि सारा मामला सही हो जाता। तो ऐसे में अगर बात करें लगातार जो सूचियाँ वो जारी हो रही हैं, गोरखपुर का मैंने आपको याद करा है कि 81 अभ्यर्थी को बाहर किया गया है, बाहर इन द सेंस कि अभी वेटिंग लिस्ट में है, अगर उनको यहाँ से नहीं हो पाएगा तो काफ़ी अभ्यर्थी बाहर भी हो सकते हैं, है ना। ऐसा गोंडा के अंदर 51 अभ्यर्थी, मुरादाबाद के अंदर 44 अभ्यर्थी, कानपुर देहात के अंदर 16 अभ्यर्थी, अगर मैं बात करूँ और भी अन्य जनपद के अंदर बहुत बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। लेकिन ऐसे में जो सूची मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसके अंदर तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए हैं। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा,
तो यहाँ पे दोस्तों जनपद मथुरा की अगर बात करें, यहाँ पे जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो ज़्यादा हो चुकी है 31,277 में से। मैंने कई बार आप सभी को कहा है कि इसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी तरीके से नियुक्ति पा गए हैं, लेकिन उनको बाहर करने के चक्कर में अब ऐसे अभ्यर्थियों को भी कहीं ना कहीं परेशान किया जाए जिनकी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, जिनको लेकर ज़्यादा समस्याएँ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि पैन कार्ड के नाम के अंदर भी गलतियाँ देखने के लिए मिल रही हैं, तो भी अभ्यर्थी को बाहर कर दिया है। अब यहाँ पे मथुरा के अंदर अगर मैं आपको संख्या दिखाना चाहूँगा पहले, उसके बाद बात करूँगा। तो पहले तो आप लोग इस पूरी लिस्ट को देखिए, जिसके माध्यम से आपको पता चल पाए कितनी ज़्यादा संख्या है। मैं आपको यहाँ संख्या दिखाऊँगा, थोड़ी सी ना ये सीक्वेंस में नहीं लगी है ना, क्रमबद्ध तरीके से नहीं लगी है, ऐसी नोटिफिकेशन मुझे मिला है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है ना। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें 324 तक हम पहुँच चुके हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मथुरा के अंदर कोई अभ्यर्थी अगर वीडियो देख रहा है तो मुझे ये बताओ कितने अभ्यर्थी यहाँ चयनित हुए थे, कितनी सीटें हैं, मुझे याद नहीं है। तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से जो अभ्यर्थी बाहर किए गए उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा का मतलब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, लगभग 339 तक हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी आप सभी देख लेंगे, लगभग 339 अभ्यर्थियों की लिस्ट मेरे पास है जिनको यहाँ पर बाहर या फिर वेटिंग में डाल दिया गया है। और 339 ही नहीं, एक और लिस्ट मेरे पास स्क्रीनशॉट देखने के लिए मिला है जिसके अंदर 387 आप सभी के सामने आ जाता है। अब ऐसे में गलतियाँ क्या हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखो सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो जाति और निवास का मामला है, मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों को इसके लिए भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन जब तक सचिव की तरफ से शासन आदेश नहीं आ जाता तब तक आपको परेशान किया जा सकता है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, कुछ अभ्यर्थी मुलाकात करने पहुँचे हुए थे, मुलाकात हो नहीं पाई, अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। थोड़ी ज़्यादा संख्या के अंदर अगर अभ्यर्थी जाते हैं, क्योंकि कम से कम मुझे ऐसी उम्मीद है 67,867 के अंदर 10,000 से 15,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके पास पुराना तो निवास होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे में नए निवास को लेकर एक बार जाकर कॉन्टैक्ट करिए, जिससे कि आप लोगों को यहाँ से राहत मिल पाए। अब ऐसे में छोटी मोटी गलती में मथुरा के अंदर लगभग 400 अभ्यर्थी को बाहर किया गया है। रीज़न आप लोग देखेंगे, नाम की गलती के अंदर किसी भी अगर बात करें जिले के अंदर बाहर नहीं किया गया था, लेकिन अब ऐसे में एक ज़िले में अगर ऐसी गलतियां की जाएंगी अधिकारियों की तरफ से, तो दूसरी ज़िले के अंदर भी छोटी छोटी गलतियां बाहर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाए, मीरा देवी की जगह पर MIRA मीरा देवी लिखा हुआ है, बहुत छोटी सी गलती है। संतोष कुमार रावत की जगह अगर बात करें, संतोष कुमार लिखा हुआ है, इसके अंदर भी आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, वहाँ पर रावत था, यहाँ पर सिर्फ कुमार लिख दिया है, इस वजह से इनको बाहर कर दिया है। आधार कार्ड पैन कार्ड की गलतियाँ निकाल ली गई हैं, चंद्रपाल की स्पेलिंग के अंदर स्पेस के अंदर तो नहीं है लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो ऐसे में उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया। यहाँ चंद्रपाल है, वहाँ चंद्रपाल है। तो कहीं ना कहीं आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं कि पहले किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी छोटी छोटी गलती पे बाहर नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर तो मतलब हद ही मचा दी है। राजवीर की जगह जैसा कि आप सभी नीचे देख पाए, ऐसी गलतियाँ देखने के लिए मिली हैं, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं बाहर निकाल दिया गया है। तो इसका एक बड़ा रीज़न भी हो सकता है कि इन अभ्यर्थियों की तरफ से एफिडेविट ना दिए गए हों, इन्होंने सोचा हो कोई बात नहीं सब कुछ चल जाएगा। और एक बड़ा सवाल भी इनके ऊपर उठता है कि फिलहाल 400 अभ्यर्थी के दस्तावेज़ में गलतियां पाई गई हैं, ठीक है, अब इनको नौकरी तो मिल जाएगी 100% सबको मिल जाएगी, छोटी छोटी गलतियाँ नाम के अंदर, मैंने कई बार कहा है स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर आपको परेशान नहीं किया जाता है, किसी जगह पर नहीं भी किया गया, लेकिन जो जारी हुआ है मथुरा के अंदर जहाँ पर 400 अभ्यर्थी आपके नियुक्ति पत्र में फिलहाल लगा दी गई, स्कूल आवंटन पर रोक लगा दी है, तो हो सकता है कि अभ्यर्थियों की तरफ से एफिडेविट ना दिया गया हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक के चलते किसी भी अभ्यर्थी को यहां से बाहर नहीं किया जाता है। लेकिन ये सवाल उठता है उन अधिकारियों के ऊपर जिनकी तरफ से जांच की गई थी, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, बाद में जब दोबारा जांच करने का मौका मिला तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिला है। ये सारे स्क्रीनशॉट मैं अपनी वेबसाइट पे साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी यहाँ पर भी देख पाए, BTC की निवास पत्र की अगर बात करें 2019 का है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आप लोग जाकर मुलाकात करिए, अदरवाइज़ आप लोगों को थोड़ा नुकसान हो सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है, बाहर नहीं होंगे।
जैसे कि रंजना की अगर हम बात करें, इसके अंदर भी यहाँ पर रंजना लिखा है, वहाँ पर सिंह लिख दिया है। अब ऐसे में बहुत सारी फीमेल होती हैं, कुमारी लिखते हैं, किसी में देवी लिख देते हैं, हालांकि ये मैटर नहीं करता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभ्यर्थी की जो सबसे मेन चीज़ें होती हैं वो अर्हता होती है। अगर 22/12/2018 तक आपके पास में सभी अर्हता हैं तो आप इस भर्ती के अंदर वैलिड हैं। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से किसी अभ्यर्थी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसे में हो सकता है इन अभ्यर्थी की तरफ से एफिडेविट ना लगाया गया हो। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, कि इस भर्ती के अंदर कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं 75 जिले के अंदर 31,000 में 30-30 अगर हम देखें तो हर एक ज़िले से अभ्यर्थी तो बाहर हो जाएंगे, जो कि गलत तरीके से, जैसा कि BTC का भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी दी गई है। क्योंकि बाकी जो 400 अभ्यर्थी यहाँ से निकाले गए वो छोटी छोटी गलतियों के चलते हैं, चाहे निवास का मामला हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर जैसा कि आपको पता है प्राप्तांक पूर्णांक का संशोधन। इस पे उम्मीद है कि सरकार की तरफ से आपको जल्द राहत मिल जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 1,000 अभ्यर्थी को बाहर किया जा रहा है। सरकार के आदेश के बाद से अधिकारी कहीं ना कहीं गलत तरीके से भी अभ्यर्थी को बाहर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं किसी अदर ज़िले के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक का मामला देखने के लिए ना मिले, क्योंकि पहले निवास का मामला एक ज़िले से जारी हुआ, सभी ज़िले में देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पर क्या क्या होगा आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, आज बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर, खाली पदों पर वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर एक अभ्यर्थी का ग्रुप मुलाकात करने पहुंचेगा। उनका कहना है कि 31,000 के अंदर जो पद खाली बचे उनकी काउंसलिंग करा दी जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया था कि अभी सीटों की संख्या तय नहीं हुई है कि 31,000 के अंदर कितनी सीटें खाली बचेंगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारी गलतियाँ निकाल कर अभ्यर्थियों को अभी रोका गया है। अब इसमें से कितने अभ्यर्थी को दोबारा से जो स्कूल आवंटन है वो करवा दिया जाएगा, और उसके बाद में जब एक साथ सीटों की संख्या बच जाएगी 37 या 339 की नियुक्ति करवा दी जाएगी, उसके बाद में जो सीटें बचेंगी उसी पे आपको कहीं ना कहीं नियुक्ति मिलेगी। तो फिलहाल अभ्यर्थी SC/RT जाने वाले अलग अलग ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं। अगर कोई अपडेट निकलेगी या वहाँ से कोई आश्वासन मिलता है या कोई जानकारी मिलती है तो आप सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन जो भी अभ्यर्थी फिलहाल 69 जाए की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनको कम से कम 37 या 339 छात्रों को जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक आप लोगों को यहाँ पर जो इंतजार है वो करना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि एक बड़ी संख्या के अंदर 67 या 867 में से सीटें खाली रहने की संभावना है। ये थी दोस्तों अभी अभी की लेटेस्ट अपडेट फ्लैश वीडियो के माध्यम से। नहीं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।